तो इधर हरियाणा के यमुनानगर के व्यापारी सुमित नरूला से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के मामले में पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने अपने एक साथी के साथ ये फायरिंग की थी। सागर फिलहाल सहारनपुर के सरसवां में रह रहा था। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कुतुबपुर निवासी नरेंद्र राणा के गैंग से हैं। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि व्यापारी को कॉल कर नरेंद्र राणा ने 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। वह दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जो थे अभी तक जितनी पूछताछ हुई है इसके मुताबिक तो वो स्वयं जो थे वो सरसावा में थे, वो ढाबा है ना, ढाबे पे बैठ के वहाँ पे उन्होंने की थी। पर जिन लोगों ने इन्होंने फायरिंग की वो पहले ही एडवांस में आके यहाँ पे रेकी करके गए थे और उन्होंने फिर इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि अब इसमें कुछ इसके पीस जो हैं वो बाकी जब सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो जाएंगे तब ये सबसे वेरीफाई करके होगा। पर अभी तक ये है कि जो लोग इसकी मोटरसाइकिल चलाने में मौजूद थे और जिनके कहने पे ये प्लानिंग के तहत ये घटना को अंजाम दिया, जिनको नॉलेज थी कि ये होने जा रहा है, उन दो लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और बाकी अन्य जितने भी लोग होंगे उन्हें भी जल्द से जल्द। तो जो थे अभी तक जितनी पूछताछ हुई है इसके मुताबिक तो वो स्वयं